नजर सकी ना आ रही तो कैसे आप सभी लोग बच्चों, जैसे कि आप लोगों को पता है कल क्लास टेंथ वालों का लास्ट पेपर था जो था इंग्लिश का पेपर। बच्चों की एक्सपेक्टेशन थी यार आज से हम लोग फ्री हो जाएंगे, बड़ा अच्छा पेपर जाएगा बिकॉज इंग्लिश का पेपर है। बट पूरी एक्सपेक्टेशन उन लोग की खत्म हो गई जब उन लोगों ने पेपर सामने देखा। और क्या हुआ कि पेपर बहुत ज्यादा टफ था, मतलब जो डिफिकल्टी लेवल होना चाहिए क्लास टेंथ वालों के हिसाब से, पता नहीं सीबीएसई ने उसके हिसाब से इतना डिफिकल्टी लेवल क्यों हाई कर दिया था। मतलब जो पैसेजेस थे कॉम्प्रिहेंसिव पैसेजेस वो इतने टफ थे कि बच्चों ने शायद पहली बार जिंदगी में ये सारी चीजें फेस करी हुई। और रात से आप सभी लोग शाम से डिमांड कर रहे कि दी आप लोग आंसर की अपलोड कर दीजिए कि हमें पता चले कि सीबीएसई ने कौन कौन से गलत आंसर की टिक करवाई है, जो दो सेट्स थे हमारे उनके हिसाब से कौन सी गलत टिक करवाई। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी मैसेज कर रहे थे कि दी हमारे पेरेंट्स मान नहीं रहे कि सीबीएसई ने एक्चुअली पेपर टफ दिया है, उन्हें लगता है कि हमारी प्रिपरेशन में कोई कमी थी या हम बहाना बना रहे। तो यार मेरी सभी पेरेंट्स से विनती है कि अगर आप लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो एक्चुअल में पेपर टफ था, ये बच्चों की कोई गलती नहीं है और सीबीएसई को आप मानना ही पड़ेगा कि उनकी गलती है। साथ ही साथ मैं ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को बताने वाली हूं कि जिसकी सीबीएसई ने वापस आंसर की गलत प्रोवाइड की है। मतलब क्या है कि कल जो इंग्लिश का पेपर था ना उसमें जो सीबीएसई ने ऑफिशियल आंसर प्रोवाइड किया है और साथ ही साथ जो दूसरा ऑप्शन है वो भी करेक्ट हो सकता था, मतलब वो भी प्रोबेबली बहुत ज्यादा चांसेस है कि 100% करेक्ट हो सकता था। बट वाई सीबीएसई ने सिर्फ उनका ऑफिशियल आंसर करेक्ट किया और जो बच्चों ने लगाया है जो करेक्ट होना चाहिए था वो क्यों नहीं करेक्ट किया है, तो इसी सब किस चीजों के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों पहली बार आप सभी लोग पहली बार चैनल पर आए तो प्लीज यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिकॉज मेरी कल से तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैंने शाम को वीडियो अपलोड नहीं करी, बहुत ज्यादा कोल्ड एंड फीवर हो रखा था मुझे। बट स्टिल मैंने आप सभी लोगों के लिए आज वीडियो बनाई है, सारे क्वेश्चन स्टार्ट है कल रात को बैठ के कि किस किस में आंसर की गलत है और कौन सा करेक्ट आंसर होना चाहिए था। प्लीज यार इतनी सारी मेहनत के लिए, इतने घंटों की मेहनत के लिए इतनी सारी चीजें करनी पड़ती है, हर एक सेट के अलग अलग क्वेश्चन निकालो, एक्सपर्ट से पूछो कि ये क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है या नहीं, उन सभी चीजों के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है। और एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, बिकॉज ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक आप शेयर करेंगे वो लोग आगे शेयर करेंगे, तभी तो सीबीएसई तक ये बात जा पाएगी कि उन्होंने जो आंसर की रिलीज की है वो गलत है और डिफिकल्टी लेवल बच्चों का बहुत ज्यादा हाई है, और तभी जाके आप लोग को इंसाफ मिलेगा, आपको बोनस मार्क्स मिलेंगे या फिर सीबीएसई अपनी तरफ से मॉडरेशन पॉलिसी अप्लाई करेगा। जो भी होगा वो सीबीएसई जाने, बट हमें अपनी वॉइस रेज करनी और उसके लिए मुझे आप सभी के साथ की जरूरत है। और आप सभी को क्या करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, फैला देना है क्लास तभी के टेंथ के सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए मुझे स्टार्ट करते हैं। मैं आज आप लोगों के सामने ये सेट डिस्कस करने वाली हूँ। आप लोगों के कल दो सेट आए थे, पहला था 002/1/4 और दूसरा सेट था आप लोगों का 002/2/4। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाला सेट वो है 002/2/4। इसमें मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता दूं कौन कौन से क्वेश्चन में सीबीएसई ने आंसर की गलत दे रखी है, मतलब सीबीएसई ने जो आंसर लगाया उसके अलावा भी करेक्ट आंसर ये भी हो सकता था बट सीबीएसई ने इसको कंसिडर नहीं किया है और उसकी वजह से बच्चों बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है, डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसका सीबीएसई ने करेक्ट आंसर लगाया था ए, बट डी भी तो हो सकता है ना बच्चों, सोच के देखो डी क्यों नहीं हो सकता है, तो उसका करेक्ट आंसर डी भी हो सकता है। और पहली बात तो ये सारे आंसर्स मैंने नहीं चेक किए, सिर्फ आप लोग के एक्सपर्ट से चेक करवाए कि जो इंग्लिश के पीजीटी टीचर्स थे जो सालों से बहुत रेप्यूटेड स्कूल्स में इंग्लिश पढ़ा रहे, बहुत सारे एक नहीं तीन चार टीचर से चेक करवा के उसके बाद ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर रही हूँ। साथ ही साथ अगर हम लोग चले अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पर, जिसका सीबीएसई ने करेक्ट आंसर बताया था ए, बट सी भी तो हो सकता है, तो उसका करेक्ट आंसर सी भी हो सकता है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में सीबीएसई ने अगेन ऑफिशियल आंसर बताया है सी, बट करेक्ट आंसर बी भी हो सकता है, यार बताओ बी क्यों नहीं हो सकता है। तो सीबीएसई से अनुरोध है कि यार सभी बच्चों ने जो बी लगाया उन्हें भी कंसिडर करे या फिर कुछ बोनस या मॉडरेशन पॉलिसी अप्लाई करे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, जिसका सीबीएसई ने ऑफिशियल आंसर लगाया है बी, बट इसका करेक्ट आंसर हमारा डी भी हो सकता है, डी हो सकता है, तो वो भी कंसिडर करेंगे सीबीएसई। क्वेश्चन नंबर 21, जिसका सीबीएसई ने करेक्ट आंसर लगाया है सी, बट इसका ऑफिशियल आंसर चाहिए था हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर रही हूँ मैं, तो इसका सीबीएसई ने ऑफिशियल आंसर लगाया अगेन सी और इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए था बी। क्वेश्चन नंबर 30, इसका सीबीएसई ने ऑफिशियल आंसर लगाया है सी, बट इसका यार करेक्ट आंसर तो बी होना चाहिए था, ऐसा कैसा नहीं हो सकता है इसके। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है बच्चों, पर आप लोग देखिए आप लोगों का भी क्लास टेंथ वालों का इंग्लिश का पेपर मतलब बहुत ज्यादा हार्ड था, और क्लास ट्वेल्थ की अगर बात करें तो उनका भी फिजिक्स का पेपर बहुत ज्यादा हार्ड था। इन्हीं सभी के बीच में क्लास ट्वेल्थ वालों के पास वापस से मौका है कि वो लोग अपने केमिस्ट्री के पेपर में सारा गुस्सा निकाल सकते हैं और केमिस्ट्री के पेपर को बहुत अच्छा दे सकते हैं। लास्ट मौका है कि सारी भरपाई फिजिक्स के पेपर की केमिस्ट्री के पेपर में कर सकते हैं। उन्हीं सभी चीजों के लिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बच्चों फ्री
स्पेशल क्लासेस, मैं आप सभी की हेल्प करूंगी आप लोगों की केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स लाने के, 30+ मार्क्स लाने। मेरी स्पेशल क्लासेस बच्चों आज रहने वाली 2 PM पर, 2 PM पर, तो आप सभी लोग आ सकते हैं, बिल्कुल कंप्लीटली फ्री है। बस आप लोग को मेरा कोड लगाना है सकीना और आप सभी मेरी स्पेशल क्लास में क्लास 12th वाला एक्सपीरियंस आ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके चेकआउट कर लो और मिलते हैं 2 बजे लाइव क्लास में। साथ ही साथ मैं क्लास 12th वालों के लिए यहाँ लेके आई हूँ फ्री MCQ सीरीज। तो ये MCQ सीरीज आप लोग की टर्म 1 की प्रिपरेशन, जो 14 तारीख को आपका पेपर होने वाला है, इसमें बहुत ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगी। तो आप लोग किसी भी टाइम पर ये सीरीज को दे सकते हैं बच्चों, क्लास दे सकते हैं, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में अगेन मेंशन है, तो आप लोग जाइए दे सकते हैं। एंड क्लास 11th और 12th के लिए अगेन एक धमाका लाई हूँ, फ्री MCQ सेशन रहने वाले, आप ये सीरीज कभी भी दे सकते हैं 11th 12th वाले बच्चे। तो देखिए क्लास 11th और 12th के लिए रहने वाली, तो कौन कौन से सब्जेक्ट की सीरीज रहने वाली ये बता दीजिए। साइंस, इंग्लिश, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए। इतना ही नहीं, अगर आप लोग अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेस करते हैं, लाइक प्लस सब्सक्रिप्शन है आईकॉनिक, अगर आप लोग 12 मंथ से ज्यादा का सब्सक्रिप्शन परचेस कर सकते हैं, तो आप लोग को यहाँ मिलेगा कम्प्लीटली 4 मंथ फ्री। बच्चों किस बात की दे रहे हैं यार, मेरा कोड यूज करो सकीना और यहाँ आप लोग को मिलेगा और भी 10% स्पेशल डिस्काउंट। तो सभी क्लास 6 to 12 पर एक्सपीरियंस टर्म 2 सुधारने के लिए आखिरी मौका है, पढ़िए इंडिया के टॉप एजुकेटर से और इनरोल कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, तो लिंक दी गई है, तो जाके आज ही सब्सक्रिप्शन परचेस करिए और पाइए 4 मंथ फ्री का मौका। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आगे के क्वेश्चन आप लोगों को बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 35, जिसका CBSE ने ऑफिशियल आंसर दिया गया है बी, और इसका करेक्ट आंसर यार सी होना चाहिए था। आप लोग ट्विटर चेक कर लीजिए, ट्विटर पे भी बहुत बड़ा हंगामा उठा है क्वेश्चन नंबर 35 को लेके, तो आप लोग को मिल जाएगा, जाके चेक करिए यार ट्विटर। क्वेश्चन नंबर 44 में CBSE ने ऑफिशियल आंसर डिक्लेयर किया है सी, बट होना चाहिए था करेक्ट आंसर हमारा डी। ये भी इंटरनेट पे आप सर्च मारेंगे तो आप लोग को क्लियरली ये वाला क्वेश्चन दिख जाएगा। अगेन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर, जिसका CBSE ने ऑफिशियल आंसर डिक्लेयर किया है डी, बट ऑफिशियल आंसर, करेक्ट आंसर हमारा होना चाहिए था सी, करेक्ट सी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 47, वैसे ही 47 में क्वेश्चन नंबर CBSE ने ऑफिशियल आंसर डिक्लेयर किया है डी, और करेक्ट आंसर होना चाहिए था सी। और क्वेश्चन नंबर 49, CBSE ने ऑफिशियल आंसर डिक्लेयर किया है बी, बट यार करेक्ट आंसर तो ए और बी दोनों हो सकते थे, ए और बी दोनों हो सकते थे, तो यार CBSE को इन सारी चीजों पर बिल्कुल ध्यान देना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं, तो उसमें ऑफिशियल आंसर CBSE ने डिक्लेयर किया है बी, बट करेक्ट आंसर सी होना चाहिए था। और यार ये तो हुए कुछ हमारे 14 क्वेश्चंस मैंने बताया, जिसमें बिल्कुल 110% मिस्टेक्स है, एक्सपर्ट से चेक करवाए हैं ये क्वेश्चन। और साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर अगर 13 और 14 की बात करेंगे, तो उसमें डायरेक्ट बोनस मार्क्स मिलना चाहिए। तो अब आप लोग बोलोगे दी आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि बच्चों इसका तो क्वेश्चन ही नहीं मेंशन है कि आप लोग को करना क्या है। अब क्वेश्चन नहीं मेंशन है तो आप लोग बिल्कुल, ऐसा थोड़ी है कि आपको कोई ऊपर से मतलब भगवान आके कह रहे हैं कि भैया ये करना है, खुदा आके उतर रहे, तुम लोग को मेंशन तो करना चाहिए था एटलीस्ट CBSE को, 13th और 14th में तुम लोग को ये चीजें फाइंड आउट करनी है, क्या करना है, कैसे समझेंगे हमारे बच्चे तुम लोग को। ये तो खुद CBSE की गलती है, तो उसको भरपाई तो CBSE को करनी पड़ेगी क्वेश्चन नंबर 13th और 14th की। तो आप सभी टेंशन मत लीजिए बच्चों, आप लोग को क्या करना है सिर्फ मेरा एक काम कि चैनल की मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाइए बाय सब्सक्राइबिंग माय चैनल। और अगर आप लोग को लगता है इसके अलावा भी दी कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसमें मिस्टेक है, या इनमें से ऐसे कुछ क्वेश्चन है कि दी आपने जो बताया इसके अलावा हमें लगता है कि ये सही था, तो आप लोग प्लीज मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, जिसके लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं सभी के कमेंट्स 1 by 1 पढ़ती रहती हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए बच्चों, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि हमारी वॉइस CBSE तक जाए। जिस टाइप से हमने लास्ट टाइम वॉइस उठाई थी, तो पार्लियामेंट तक हमारी वॉइस गई थी, इस टाइम डायरेक्ट CBSE तक जानी चाहिए और CBSE से फाइनल अनाउंसमेंट आना चाहिए कि हाँ हमारी गलती थी इंग्लिश के पेपर में, और हम मार्क्स आप लोग के बढ़ाएंगे ही, बोनस मार्क्स या फिर आप लोग को मॉडरेशन पॉलिसी मिली। तो प्लीज यार ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए, और आप लोग का ही बेनिफिट है, आप लोग के लिए ही कह रही हूँ कि आप लोग को इंसाफ मिलना चाहिए। इतना यार कैसे, हम थोड़ी कोई फ्रेंच लैंग्वेज थोड़ी पढ़ रहे, कौन सी इंग्लिश पढ़ रहे, हम लोग अमेरिकन इंग्लिश थोड़ी पढ़ रहे कि ऐसे क्वेश्चन दे दिए। चलिए बस इसी के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।